नमस्कार, सुबह के 10 बजने के साथ ही वक्त हो गया है नेशन एट 10 का। आपके साथ मैं दीपिका सिंह करेंगे खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। थोड़ी देर में वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन होगा। पीएम नरेंद्र मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें, सम्मेलन में 34 देश और 16 संगठन शामिल हो गए हैं। अब तक 9 बार हो चुका है समिट का आयोजन। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आज का दिन बेहद खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 11:30 बजे उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में 34 देश 16 संगठन शामिल हैं। अब तक 9 बार आपको बता दें समिट का आयोजन हो चुका है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तभी से इस समिट की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, भव्य तैयारियां इस वक्त कर ली गई हैं और इसी के साथ साथ पूरे गांधीनगर को किस तरीके से सजाया गया है, संवारा गया है, पल पल की तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई थी। रात में जगमगा रहा था गांधीनगर और इसी के साथ देखिए वाइब्रेंट गुजरात का जो मकसद है। देखिए, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एरिया शॉट देखिए जरा आप किस तरीके से इस समिट का उद्घाटन। और इसी के साथ साथ अब देखिए, कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। तो गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट समिट का उद्घाटन किया जाना है। देखिए, कई देशों के जो प्रतिनिधि हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हम तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। तस्वीरों में जरा आप नजर दौड़ाएंगे तो देखेंगे किस तरीके से गुजरात विकास के पथ पर अग्रसर है और इसी के साथ साथ ये पूरा मैसेज जो है तमाम देशों के बीच भी कन्वे करना है और यही एक बड़ी वजह है। वाइब्रेंट गुजरात समिट का एक लक्ष्य भी यही है। तो फिलहाल गुजरात के गांधीनगर में वाइब्रेंट समिट का ये सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद आपको बता दें इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। तो गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट और इसका उद्घाटन थोड़ी ही देर में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन के बाद संबोधित करेंगे। लगभग 3 दिन आपको बता दें सुबह हो चुके हैं और तीसरा दिन आज का बेहद खास है। तमाम झलकियां, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे ये गुजरात की झलक और इसी के साथ साथ विकास के पथ पर किस तरीके से गुजरात आगे बढ़ रहा है। ये तस्वीरें साफ दिखा रही हैं। उसी के साथ जो मकसद होगा, तमाम जो प्रतिनिधि, तमाम देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो शामिल हो रहे हैं, जिनका मकसद है कहीं ना कहीं गुजरात में इन्वेस्ट करना भी। तो फिलहाल आज का दिन बेहद खास है। तो कुछ ही देर बाद आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 9 साल हो चुके हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। बतौर मुख्यमंत्री ही उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की थी, जिसका पूरा मकसद यही था, गुजरात को चहुमुखी विकास देना और विकास के नए आयाम खोलना। फिलहाल आपको बता दें समिट की शुरुआत कुछ ही देर बाद कर ली जाएगी, जिसमें पूरी तरीके से गुजरात सरकार तैयार है। और देखिए, हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी जब किस तरीके से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तस्वीरें फिलहाल आपको बता दें कुछ ही देर में शुरुआत होने वाली है। तो 10वें एडिशन का ये उद्घाटन किया जाएगा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों के द्वारा। आपको ये भी बता दें कि 12 जनवरी तक इस समिट का आयोजन होगा। इस समिट चलेगी शाम को गिफ्ट GIFT यानी गिफ्ट सिटी में ग्लोबल फिटनेस CEO की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जानी है। तो फिलहाल आज का दिन बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कुछ ही देर बाद वाइब्रेंट गुजरात समिट के 10वें एडिशन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। UAE के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद, कई अन्य वर्ल्ड लीडर्स इसमें शामिल होंगे। इंडस्ट्री लीडर्स के साथ ही चीफ गेस्ट के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कारोबार जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी हस्तियां इसमें शिरकत करेंगी, जिसमें मुकेश अंबानी होंगे, पंकज पटेल हैं, गौतम अडानी हैं, लक्ष्मी मित्तल भी इस कन्वेंशन सेंटर में पहुँच रहे हैं। इस बीच आपको बता दें ट्रेड शो का आयोजन भी किया गया, ट्रेड शो का आयोजन भी हुआ था यहाँ पर। ट्रेड शो में मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। 20 देशों के 1000 से अधिक एग्जीबिटर्स भी इस ट्रेड शो में शामिल हुए थे। अब आपको ये भी बता रहे हैं कि 34 देश के पार्टनर्स के रूप में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि लगभग 100 देश विजिटिंग ट्रेड शो के रूप में हिस्सा ले रहे हैं। तो 10-11 जनवरी को बिजनेस विजिटर्स के लिए और 12-13 जनवरी को जनता के लिए ये खुला रहेगा।
यानी कि आप यदि गुजरात में रहते हैं या फिर आप जाना चाहते हैं तो 12 से 13 जनवरी आम जनता के लिए ये विजिटर्स खुला रहने वाला है। आयोजन स्थल के लिए तमाम आपको बता दें कि 13 हॉलों को तैयार किया गया है जिसमें मेक इन गुजरात और आत्मनिर्भर भारत ये स्लोगन सबसे पहले रखा गया है। तो इसकी शुरुआत आपको बता दें कुछ ही देर बाद हो जाएगी ग्लोबल समिट की, ये शुरुआत बेहद खास। इससे पहले ट्रेड शो का भी आयोजन किया गया था कल। आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहनान प्रेसिडेंट यूएई, हिज एक्सेलेंसी जोजे रामोजोर्ता प्रेसिडेंट तिमोर लेस्ते, हिज एक्सेलेंसी फिलिप न्यूसी प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ मोजाम्बिक, हिज एक्सेलेंसी पेत्रा फियाला प्राइम मिनिस्टर चेक रिपब्लिक, इस समिट के पार्टनर कंट्रीज के माननीय मिनिस्टर्स, विश्व के विविध देशों से पधारे एम्बेसडर्स, गुजरात के माननीय गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण और गुजरात के मेरे सहयोगी मंत्री, मैं आप सभी को गुजरात की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। वाइब्रेंट समिट के पायोनियर एंड आर्किटेक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट समिट को बिजनेस ब्रांडिंग के साथ बॉन्डिंग का भी समिट कहा है। आज यहां आप सभी की गौरवमयी उपस्थिति प्रधानमंत्री श्री की इस बात को चरितार्थ करती है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के खास बनाने वाले 34 पार्टनर कंट्रीज और 16 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों का 130 से अधिक देशों के डेलीगेट्स का भी मैं सम्मान के साथ स्वागत करता हूं। ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस कम्युनिटी के चेयरपर्सन सीईओज तथा सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स का भी गुजरात की धरती में स्वागत है। चलिए कुछ ही देर बाद समिट का उद्घाटन किया जाएगा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, कार सेवकों पर गोलीकांड का ये पूरा मामला सामने आया। स्वामी प्रसाद मौर्य का गोलीकांड पर बयान सामने है जिसमें संविधान बचाने के लिए गोली चलवाई गई थी। तो फिलहाल आपको याद होगा कार सेवकों पर गोली चलाना कर्तव्य का पालन था, ये बड़ी खबर आपको बता दें। एक बार फिर से स्वामी प्रसाद मौर्य का यह विवादित बयान सामने आया, संविधान को बचाने के लिए गोली चलाई गई थी, कार सेवकों पर गोली चलाने का कर्तव्य का पालन था। तो आपको याद होगा समाजवादी पार्टी सरकार के समय पर कार सेवकों पर जब गोली दागी गई थी तब कई सवाल खड़े किए गए थे। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य का यह विवादित बयान सामने आया है, संविधान को बचाने के लिए गोली चलाई गई थी। बड़े पैमाने पर बहुत अच्छे साथी रहे हैं और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी वहाँ पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार तो फिलहाल आपको बता दें एक बार फिर से यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया कि जिस वक्त कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी वह सब कुछ सही था, संविधान के अनुरूप था। तो एक बार फिर से मीडिया की सुर्खियां बटोरने की कोशिश स्वामी प्रसाद मौर्य की हुई है।
इधर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना विधायक अयोग्यता केस में आज बड़ा फैसला होना है। 16 विधायकों की अयोग्यता पर बड़ा फैसला होगा। विधानसभा अध्यक्ष शाम 4 बजे फैसला सुनाएंगे। फैसले से तय होगा शिंदे सरकार का भविष्य। शिवसेना में फूट के बाद से लंबित पड़ा हुआ है पूरा मामला। इस फैसले पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का सरकार का भविष्य भी टिका हुआ है। साथ ही संवैधानिक कारणों से भी पूरे देश की निगाहें इस फैसले पर लगी हुई है। आपको बता रहे हैं कि जून 2022 में शिवसेना में फूट पड़ी थी, इसके बाद से मामला लंबित है। तब शिवसेना नीत सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री एकनाथ शिंदे के बगावत के कारण महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई थी। कुछ दिन बाद ही आपको याद होगा बीजेपी के सहयोग से खुद शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन उद्धव ठाकरे गुट ने शिंदे सरकार की वैधता पर सवाल खड़े किए थे। बागी विधायकों की सदस्यता समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। देखिए ग्राफिक के जरिए हम आपको समझा रहे हैं आखिरकार शिवसेना में गावत की वो पूरी कहानी क्या कुछ है, इसके जरिए आप समझिए तकरीबन 1.5 साल पहले शिवसेना में किस तरीके से बड़ी बगावत हुई थी। शिवसेना के नेतृत्व में कुल 39 विधायक बागी हुए थे। बीजेपी के साथ मिलकर सरकार तो बना ली गई थी, बाद में एकनाथ शिंदे को सीएम भी बनाया गया था। शिवसेना उद्धव ठाकरे के गुट ने सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त दरवाजा खटखटाया था। 39 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए कोर्ट में ये केस भी चला। शिंदे गुट ने भी उद्धव ठाकरे के साथ बचे रहे 14 के खिलाफ याचिका को दायर किया था। 14 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा था। मतलब है प्रधानमंत्री को फैसले के बारे में जानकारी है और मैच फिक्सिंग के बारे में जानकारी, इसलिए वो आत्मविश्वास है कि मैं आ रहा हूँ और सरकार रहेगी, निर्णय मुझे मालूम है। दूसरी बात, आज फैसला है गैरकानूनी सरकार का और हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय है वो डावोस में जा रहे हैं। अगर आपकी सरकार हम मानते हैं कि गैरकानूनी ठहर सकती है, असंवैधानिक करार दे सकती है, तो आप में इतना आत्मविश्वास कहाँ आया कि फैसला कुछ भी हो मैं बतौर राज्य का मुख्यमंत्री दावोस एक डेलीगेशन के साथ जा रहा हूँ। उसका मतलब आपको भी मैच फिक्सिंग के बारे में पूरी जानकारी है और आपको निर्णय पहले से मालूम है। ये सभी बातें, ये दोनों बातें, प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में आने की बात और मुख्यमंत्री दावोस जाने वाली बात, हम सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर ला रहे हैं। ये पूरी तरह से मैच फिक्सिंग है। आज का जो निर्णय होने वाला है वो एक महज औपचारिकता है। यथाच अर्थ असा है कि मैच फिक्सिंग मध्ये जे काय व्यवहार हिशोब करायचे आहेत ते पूर्ण झालेले आहेत। मॅच फिक्सिंग हा जुगार असतो, जुगारामध्ये पैशाचा मोठा व्यवहार होतो, आपल्याला माहिती आहे मॅच फिक्सिंगमध्ये। याचा अर्थ व्यवहार पूर्ण झालेला आहे आणि त्यांना मॅच फिक्सिंगच्या निकालाचा हिरवा भविष्य तय होना है। बड़ी बात आपको बता दें, शिवसेना विधायक की अयोग्यता पर फैसला होगा। तब ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो सरकार शिवसेना को तोड़कर बनाई है अब उस पर फैसला आएगा, क्योंकि यहां पर पूरा मामला लंबित था। फैसले से तय हो जाएगा शिंदे सरकार का आखिरकार भविष्य क्या होगा। तो फिलहाल शिवसेना के बागी विधायकों की अयोग्यता पर आज बड़ा फैसला आना है और इसी को लेकर ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार आगे क्या। शुभम पांडे हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हैं। शुभम, देखिए आज का दिन बहुत खास है शिंदे के लिए भी और उनके गुट के लिए भी, तो फिलहाल जो आबोहवा है वो क्या है, सुगबुगाहट क्या है? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ 15 वो विधायक हैं जिनके ऊपर अयोग्यता की तलवार जो है लटक रही थी। आज उस पर आखिरी फैसला आएगा शाम 4 बजे। देखिए ये फैसला जो सुनाएंगे वो महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर जो है वो फैसला सुनाएंगे। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर ये कहानी तो हमें फ्लैशबैक भी जानने की जरूरत है, जब 2022 में 20 जून की रात को एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे से बगावत करके सूरत जाते हैं, उसके बाद गुवाहाटी जाते हैं, उसके बाद गोवा जाते हैं और सरकार से अलग होकर बीजेपी को समर्थन देकर महाराष्ट्र में नई सरकार बनाते हैं। उसके बाद तब उद्धव ठाकरे गुट के विधायक सुनील प्रभु
वो इनको एक ब्रीफ जारी करते हैं, उन्हें कहते हैं कि आप इस मीटिंग में शामिल हुए, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है। अब देखिए यहाँ पर कहानी समझने की जरूरत है कि आखिर इनके ऊपर जो अयोग्यता की तलवार है वो कैसे लटक रही है। देखिए संविधान अनुच्छेद के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि कोई भी विधायक अगर दल बदल कर किसी अन्य दल में शामिल होता है या पार्टी को हाईजैक करता है या पार्टी को अपने अपना बनाने की कोशिश करता है तो ये कानूनन है कि कोई भी अगर दल बदल कानून के तहत उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। उस वक्त जब ये विप जारी हुआ था तब शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास थे, अब शिवसेना भले एकनाथ शिंदे के पास आ चुकी हो लेकिन ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए राहुल नार्वेकर जो महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर है उन्हें आदेश दिया था कि आप किसी भी तरीके से 10 जनवरी के तक अपना फैसला सुनाइए, पर आज वो घड़ी आ गई, वो पल आ गया है। अगर अयोग्यता की तलवार लटकती है, अगर मान लीजिए अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उनके साथ 15 विधायक अगर अयोग्य हो जाते हैं तो महाराष्ट्र मुख्यमंत्री की राजनीति में भूचाल आ जाएगा, क्योंकि वो अपने 7 विधायकों को लेके तो पूरा शिवसेना खेमा जो है वो टूट सकता है। तो ऐसे में सबकी निगाहें, पूरे देश की निगाहें इस वक्त महाराष्ट्र पर है कि आखिर आज क्या फैसला आएगा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान किए गए उसके तहत फैसला आएगा, या फिर जिस तरीके से कल उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा आरोप लगाया था कि जो राहुल नार्वेकर स्पीकर हैं वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बीजेपी के लोगों से लगातार मिल रहे हैं, तो ये हमें आशा है कि ये जो है मिली भगत होगी या हमारे खिलाफ अगर फैसला आता है तो इसमें कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं होगी। हाँ, तो उद्धव गुट का तो एक बड़ा फैसला भी, यूं कहें कि बड़ा दावा भी है कि यदि तमाम फैसला आता है तो कहीं ना कहीं सरकार भी गिर जाएगी। हालांकि देवेंद्र फडणवीस तो बहुत यहां पर यूं कहें कि निश्चिंत नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ऑप्शन पहले ही ढूंढ चुके हैं, क्योंकि देखिए महाराष्ट्र में दो मुख्यमंत्री हैं, अजित पवार का भी खेमा भी अब बीजेपी के साथ समर्थन में, अगर ये 16 विधायक अपात्र हो जाते हैं या अयोग्य हो जाते हैं तो भी इनके पास ऑप्शन है कि महाराष्ट्र में किस तरह से सरकार चलाया जाए, क्योंकि इनके पास 40 से ज्यादा शिवसेना के विधायक है, अगर 16 अयोग्य हो जाते हैं तो बाकी के जो बचते हैं वो सरकार को समर्थन दे सकते हैं और महाराष्ट्र में जो है नए मुख्यमंत्री का जो फेस है वो हो सकता है। तो ऐसे में निगाहें सबकी है कि आखिर फैसला क्या आता है, अगर फैसला इनके समर्थन में आता है कि अयोग्य नहीं है तब तो सरकार ठीक चल जाएगी, अगर इनके पाता तो बीजेपी के पास या महायुति जो सरकार इस वक्त महाराष्ट्र में चली उसके पास ऑलरेडी एक ऑप्शन है, पहले से अजित पवार को अपने पास लाए, जो अजित पवार महाराष्ट्र में कई बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जब अजित पवार इस खेमे में शामिल हुए थे बीजेपी के साथ तभी चर्चा लगाई जा रही थी कि अगर एकनाथ शिंदे अयोग्य साबित होते हैं तो महाराष्ट्र प्लान बी बीजेपी का पहले से तैयार था, हम ये भी कह सकते हैं। चलिए अब शाम 4 बजे का इंतजार करेंगे हम शुभम, क्या कुछ फैसला आएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने उस्मान मीर का भजन शेयर किया है, राम भजन सुनकर आपको दिव्य अनुभूति होगी, अयोध्या में राम जी के पधारने को लेकर उमंग और उल्लास है, अयोध्या नगरी में श्री राम जी के पधारने को लेकर हर और उमंग और उल्लास है, उस्मान मीर जी का ये मधुर राम भजन सुनकर आपको इसकी दिव्य अनुभूति होगी। इस बीच आपको ये भी बता दें, राम मंदिर परिसर में शुरू होगा यजुर्वेद का पाठ, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले इस पाठ का आयोजन होगा, पाठ के लिए 121 वेद पाठी बुलाए गए हैं, आज से 4 दिनों तक ये पाठ चलेगा। पाठ के खत्म होते ही आपको बता दें तमाम जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह भी समाप्त हो जाएंगी। देखिए प्राण प्रतिष्ठा की तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसी के साथ साथ अब इन तमाम तैयारियों को मूर्त रूप दिया जा रहा है, भजन शुरू हो चुके हैं, गायन शुरू हो चुके हैं, अब यज्ञोपवीत भी शुरू होगा, इसी के साथ साथ देखिए यजुर्वेद का पाठ भी शुरू होगा जो कि लगभग 4 दिन तक चलेगा। तो रामलीला मंदिर में यजुर्वेद का पाठ बेहद खास माना जा रहा है।
उसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ है, फौरन लौटेंगे हम कुछ और खास खबरों के साथ। आप बने रहिए।